सो हेलो व्यूअर्स, आज की अपडेट्स हैं, मिकी आर्थर ने किया पाकिस्तानी किंग को रिजेक्ट, रोहित शर्मा ने किया बड़ी जरीवी का मुजाहरा और नजम सिटी ने की शाहिद अफरीदी को एक बड़ी ऑफर। तो चलिए बढ़ते हैं अपडेट की डिटेल्स में। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग अपने अपडेट्स की डिटेल में जाएं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपकी लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेंगे आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। मिकी आर्थर को, जो कि पाकिस्तान के स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट थे कोच बनने के लिए, उन्होंने कर दिया है पाकिस्तानी टीम की कोच बनने की ऑफर को रिजेक्ट। कहा यह जा रहा है कि उनका जो डर्बी शायर के साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था तकरीबन 2025 तक के लिए, उन्होंने उस वजह से पाकिस्तानी टीम को ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तानी टीम को ने उन्हें ऑफ़र भी की कि आप एज अ कंसल्टेंट जॉब कर लें पीसीबी के साथ, मगर कुछ वजूहात के तहत ये भी पॉसिबल ना हो सका। तो इसीलिए अब पाकिस्तानी टीम ने अपनी फॉरेन कोच ढूंढने की तलाश को जारी रखा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट है रोहित शर्मा की तरफ से। रोहित शर्मा की तमाम लोग तारीफ़ कर रहे हैं, सब सारे स्पोर्ट्समैन, सारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट सब तारीफ़ कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि दर्शन शानी का, जो श्रीलंकन की कैप्टन है, वो 98 पे बैटिंग कर रहे थे जब मोहम्मद शामी ने उनको रन आउट करने की कोशिश की, मगर रोहित शर्मा ने उस डिसीजन को वापसी लिया और इस वजह से वापसी लिया। उन्होंने कहा कि जब कोई बैट्समैन 98 पे या 90s में बैटिंग कर रहा हो और इतनी अच्छी उसने बैटिंग की, उसको इस तरीके से आउट नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से दुनिया भर में उनकी तारीफ़ हो रही है और मुझे भी बहुत अच्छा लगा उनका ये डिसीजन। गाइस, आप बताइए आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नजम सेठी ने शाहिद अफरीदी को किया एक बड़ी ऑफ़र। वो ऑफ़र ये है कि शाहिद अफरीदी को नजम सेठी ने कहा है कि आप 2023 के वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर रहें, क्योंकि सब शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं। उनके बोल्ड डिसीजंस और जो उन्होंने अपनी एक बहादुराना सेलेक्शन की है, उस वजह से उनकी बहुत तारीफ की जा रही है और एक टीम का मोराल उस वजह से बढ़ रहा है। अब देखिए शाहिद अफरीदी इस बात का क्या जवाब देते हैं। जैसी अपडेट आएगी इस बारे में हम आपको इत्तला करते रहेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।